हाय फ्रेंड्स, अदिति ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज देखिए, मैं आई हुई हूँ हांगकांग पार्क देखने के लिए। आई हूँ ऐसे ही घूमने के लिए। मैं भी देखिए झरना दिखाती हूँ। फिर भी देखिए, वाह कितना सुंदर है ना गाइस। मैं भी इसके अंदर जाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। देखिए मेरे पीछे, अभी मैं इसी में से आई हूँ निकल कर, मेरा पूरा जूता गीला हो गया है। देखिए मेरा जूता पानी निकलेगा, पूरा जूता एकदम पानी से फच फच हो गया है। अंदर गई मुझे, और धूप बहुत तेज है गाड़ी, बहुत ज्यादा तेज है। अब हांगकांग पार्क में इंटर कर रहे हैं। देखिए हांगकांग पार्क लिखा हुआ भी होगा, तब इंटर कर रहे हैं। अभी जो देखा आपने फाउंटेन, वो जो है इंटरान से उसका, वहाँ पर बाहर में फाउंटेन लगा रखा है। यहाँ पर पता है अंदर ना ओलंपिक का भी बना रखा है एक साइन, कि ओलंपिक यहाँ पर हुआ था ना, तो हर कंट्री का होता है कि जहाँ ओलंपिक होता है उसका एक कुछ बनाते हैं ओलंपिक सिंबल का रिलेटेड। तो जिनको यहाँ पर खाना खाना हो, कुछ भी करना हो, इंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। इधर जो है म्यूजियम है, ये टी म्यूजियम है आगे चल के। तो ये आपको हांगकांग पार्क गाइज एडमिरल्टी में पड़ता है, जो सेंटर बिल्कुल है हांगकांग का। एडमिरल्टी बहुत फेमस जगह है। देखिए म्यूजियम ऑफ टी वेयर, ये जो है ना पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है ना हाउस टाइप का, वो जो है म्यूजियम है टी का, टी पॉट का। यहाँ कितने तरह का टी पॉट का विस्तार हुआ है ना, जैसे हर जगह का नहीं, चाइना का ही दिखाया है पूरा। तो आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया है टी पॉट वाला। ये देखिए हांगकांग पार्क से ही लिपो सेंटर है, ये बहुत फेमस बिल्डिंग है, ग्रीन बिल्डिंग है यहाँ का। इधर बहुत ही लंबा लंबा हाई रेज देखिए बिल्डिंग, एडमिरल्टी का ही है पूरा एकदम। देखिए इधर भी हांगकांग का, तो मैं पूरा अंदर तक नहीं जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। मैं लेट हो रही हूँ गाइस, तो इसलिए मैं जा रही हूँ घर। तो पूरा अंदर तक नहीं गई हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने बना दिया है बस खाली वीडियो। मेरा वीडियो में ना कोई आना चाहता है, ना वीडियो मुझे बनाने देता है ढंग से। तो मैं अपना ही वीडियो बना रही हूँ अपना ही। देखिए मैंने धूप से बचने के लिए मैं पूरा टोपा सोफा पहन के है, मेरा गर्दन मैंने पूरा दर्द हो रहा है एकदम पीछे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदिति ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए अभी मैं आई हुई हूँ कॉजवे पर शॉपिंग करने के लिए। तो देखती हूँ क्या क्या खरीदती हूँ। अभी जस्ट बस से उतरी ही हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ इसके लेते हैं ऊपर देखने के लिए कि क्या है। इसमें से बहुत कम ही मैं आती हूँ। तो आज मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना दुकान, कॉजवे पर ही है। देखिए मेरे पीछे दोनों तरफ ना छोटू छोटू सा दुकान है, तो छोटू छोटू दुकान है, बहुत ही मतलब बहुत सारा दुकान है। देखिए पूरा ये देखिए, इसी तरीके का आपको सारा दुकान मिलेगा, हर चीज का दुकान है। देखिए बैग का दुकान छोटा सा, मतलब इसमें ब्रांडेड नहीं है सारा दुकान, जिन लोग को मतलब अपना दुकान खोल के चलाते हैं ना, तो उन लोगों का दुकान है ये सर, छोटा छोटा सा। तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कॉजवे पर ये बस एकदम आपको एस्केलेटर से ऊपर चढ़िएगा तो ये सब दुकान दिखेगा। देखिए इधर ज्वेलरी का दुकान है ये सब देखिए क्रिस्टल का है। मैं दिखाती हूँ क्रिस्टल का, बहुत सुंदर सुंदर, मुझे बहुत पसंद है क्रिस्टल का ना ज्वेलरी और शोपीस वगैरह। देखिए पूरा मैं क्रिस्टल का जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर एक चक्कर लगाती हूँ मैं उस दुकान में। तो देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पर आपको क्रिस्टल का ज्वेलरी मिल जाएगा, जेम्स स्टोन जो बोलते हैं ना वो। देखिए
1900 मतलब 20,000 19,000 इंडियन रुपीज। माय गॉड बहुत महंगा है। तो ऐसा आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है कि डायमंड, आप लोग मत समझ लीजिएगा। इसके ऊपर भी जाके आप दुकान देख सकते हैं, मैं जा तो नहीं रही हूँ ऊपर। तो गाइस अभी मैं देखिए आई हुई हूँ उसके जस्ट बगल वाले शॉप में, मतलब मेरे पीछे देखिए पूरा नेल पेंट का दुकान है। मैं इसके अंदर जाऊँ दिखाने के लिए, देखिए पूरा नेल पेंट का दुकान है। तो मैं अभी चलते जा रही हूँ और मैं नेल पेंट वाला दुकान में ना आपको लेकर चलूंगी। अभी मैं थोड़ा सा इधर घूम लेती हूँ, तो दोनों मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ना, मेरे आजू बाजू दोनों तरफ दुकान है। देखिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, अलग अलग नाम से है। इसमें यह है ना कि उधर से इंटर कीजिए, इधर से एग्जिट कीजिए, इधर से इंटर कीजिए, उधर एग्जिट कीजिए, मतलब दोनों तरफ रास्ता इसका खुलता है। इधर चलना है देखने, इधर हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा इस तरफ, इधर देखना है कुछ, इधर देखिए उधर सी समुंदर का है। एक बार हम लोग यहीं पर आके ना पूछ रहे थे किसी से, बस अच्छा इधर है, किधर है, पूरा शुरू बना है, हम लोग रास्ता गुम हो गए थे यहाँ। तो किस हम लोग सब लोग से पूछे तो कोई बता ही नहीं रहा है बस स्टॉप, असला बस स्टॉप पास नहीं था। यही कहता है गाइड कि अगर आप रास्ता नहीं पता होता ना, नई जगह पर ना पता नहीं चलता है, चीज़ सामने रहती है और हम लोग खोजते रहते हैं। तो उस टाइम हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। तो देखिए अभी जा रहे हैं उधर से समुंदर देखने के लिए। इस एरिया में पहली बार मैं आई हूँ।